सहारनपुर थाना नकुंड के पीड़ित ने लगाया आरोप, पुनरिरंजिस के चलते सरसला गांव के यशपाल नाम के आदमी को रात में सोते समय की गई जान से मारने की कोशिश। बता दें कि नकुंड थाना क्षेत्र के गांव सरसला के निवासी यशपाल की पत्नी के द्वारा एक एनजीओ चला रखा है, जिसमें सरकार की तरफ से 27,000 सार्वजनिक शौचालय की देखरेख के लिए आया, जिसको उसी एनजीओ की एक सदस्य रेखा उस धनराशि को हड़पना चाह रही है। परंतु यशपाल की पत्नी ने रेखा के उस मंसूबों को नाकाम कर दिया, जिसकी रंजिश निकालने के लिए रेखा द्वारा कुछ दबंगों को भेजकर रात में यशपाल को जान से मारने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से उसके हाथों की हड्डी तक टूट गई। अब यशपाल प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। मंडल ब्यूरो सहारनपुर से हैदर अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम सर यशपाल है, गाँव खेड़ा बांध सिलसिला है। तो आपको आपके साथ क्या हुआ था? सर मैं रात में अपने मैंने कोई मेरे पर रोजगार नहीं था, मैंने एक भैंस पाल रखी है, उसका भैंस पाल रखी है, उसका घास भूस करो था मैं और मेरे घर वाले। तो सर उसके बावजूद तो हम अपना गुजारा कर रहे हैं एक डंगर से। तो सर हम जैसे अपना गुजारा कर रहे तो साहब एक दिन ऐसा होया, तो सर मैंने पढ़ा था जो तो 12:30 के आसपास 12:17 के तो मेरी आँख खुली। आँख खुलने के बावजूद मैं पैसा करा, मैंने सोचा घास घूस गए, देखा टाइम तो 12:17 हो गया। तो साहब मैं जगह पेशाब कर रहा था तो पेशाब करके हाथ धोने गया नलके पर, तो साहब मैंने वहाँ से 4 लड़के बुलेट पर देखे आते हुए। एक लड़का मोटरसाइकिल पर था, स्प्लेंडर पर, जो स्प्लेंडर वाला था वो तो गाड़ी खड़ी कराने लगा, बुलेट वाले कूद गए। उसमें कारखाना है साहब हमारे यहाँ जूतों का, वो हमारे यहाँ ऐसे समाज का ही है, तो उसमें फुल पढ़ाई और जूतों की पढ़ाई होती है सर। तो जैसे उसमें घुस के मैंने कहा साहब यहाँ तो रात दिन एक करीब बढ़ रहे लोग महावे पता नहीं क्या हुआ, तो मैं साहब अपना चले गया जाकर पड़गा। सर मेरे करीबन 1:45 के आसपास साहब मेरे अलावा आए, जैसे मैंने देखा तो साहब मेरी मच्छरदानी जो दबरी थी वह जो निकालने लगे, साहब थोड़ी सी आँख खुल गई। आँख खुलने के बावजूद मैंने देखा तो विनय ने मेरा वो गले में वो गिर रहा तौलिया, सर तौलिया महाराज था वो तौलिया, जैसे गिर रहा तो मैंने देखा उसमें उसके बावजूद जो आँख खोल ली अच्छी तरह मैंने हड़बड़ाया, तो मुझे एक उसका दोस्त भी वो है उसका नाम शशि कुमार, तो तीनों के हाथ में मैंने होकर देखे साहब, वो इतना ही बस देखते हुए सार मेरा पर धुआ दो धुआ दो धुआ दो। सभी के नाम बताइए। साहब एक तो योता विनय, एक शशिता, एक उसका ताऊ का उसका नाम श्री राम और पप्पू बोलते हैं जी। कहाँ थे? ये साहब गाँव सिरसला के रहने वाले तीनों साहब, मेरी घरवाले शौचालय पर वो कितने लोग थे टोटल करीबन ऐसे थे जो मेरा मैंने तो 4 देखे साहब, जो मैंने टोटल देखे तो मेरे भतीजे ने बताए तो करीबन ऐसे थे 3 बाहर बता रहा मेरा भतीजा। 3 बाहर मतलब? 3 बाहर जैसा घेर है ना मेरा साहब, घेर के मेरे यहाँ बहुत बड़ी लाइट लगी हुई जो प्रधानमंत्री ने लाइट लगवा रखी, बहुत बड़ी लाइट है, उसमें चांदने में जो देखे तो हर उस पर एक उंगरा कोने पर खड़ा था, एक उंगरा जो मैं भागू तो वह मुझे दबोच। तो आपका कोई पारिवारिक